आज राजधानी दिल्ली की सड़कों पर केसरिया रंग देखने को मिला, जिसे अपने सिर पर सजाकर सड़कों पर हजारों सिख युवा उतरे और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। वो न केवल पग बल्कि केसरिया रंग की ही जैकेट पहने भी दिखे। उनके हाथ में बीजेपी के बड़े बड़े झंडे दिखे, जिसे लेकर हजारों युवाओं ने दिल्ली की सड़कों पर बाइक रैली निकाली। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस रैली का नेतृत्व किया। पूरे भारत में और पूरे दिल्ली में एक ही संदेश है, समाज का हर वर्ग माननीय प्रधानमंत्री के साथ है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 10 सालों में विकास हुआ, उस सबका एक ही मंत्र है, फिर एक बार मोदी सरकार। केजरीवाल कल आए, उन्होंने भगवान हनुमान जी के दर्शन करे, उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े जो है स्टेटमेंट दिए बीजेपी के लिए, इंडिया लाइंस की बढ़ाई करी, ये भी बोला कि जो सरकार है, जो बीजेपी है, वो अपोजिशन को निपटा देना चाहती है। भ्रष्टाचारियों की जमात, अगर सारे चोर इकट्ठे होकर शोर मचाएं तो भी चोर चोर ही रहेगा। अरविंद केजरीवाल इधर उधर की बातें करना बंद करें, अग्रिम जमानत में छूटे अरविंद केजरीवाल, ये बताएं 1 तारीख के बाद क्या। एक नौजवानों ने, एक यूथ ने बाइक राइड निकाली है और इस रैली का पर्पस है कि हमारी सपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, वी प्लेज आवर सपोर्ट टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके जो अथक प्रयास है कम्युनिटी के साथ खड़े होने के, कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करने के, चाहे 1984 के कातिलों को जेल में चुन चुन कर डालना हो, 1984 के पीड़ितों के साथ खड़े होना हो, या करतारपुर साहब का गुरुद्वारे के लिए कॉरिडोर बनाना हो जो हिस्टोरिकल कॉरिडोर है दुनिया के अंदर, ये चाहे काम करने हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों के नाम के ऊपर देश के अंदर एक दिन मनाना हो वीर बाल दिवस राष्ट्रीय दिवस के रूप में, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अफगानिस्तान से हमारी कम्युनिटी पे जब गुरुद्वारों पे हमले हो रहे थे, यहाँ से एयरफोर्स के जहाज भेजकर उनको बाहर निकाला है, और प्रधानमंत्री का सपना है विकसित भारत। विकसित भारत तभी होगा जब हम सब साथ देंगे। तो 1947 से लेकर 2047 तक का जो पड़ाव है 100 साल का, वो विकसित भारत का हो, उसके लिए हमारी कम्युनिटी आज एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है, उनके विजन के साथ खड़ी है, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी जब बाहर आए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 50 दिन वो जेल में रहे, इसका असर उनके दिख रहा है। उन्होंने आह्वान किया था कि सुबह जब वो हनुमान मंदिर पहुंचेंगे पूरी दिल्ली वहां पहुंचेगी, वहां 40-50 लोग भी नहीं आए, तो इसलिए वो घबराहट में है, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। और ये बात हर बार बोलते हैं कि मेरी बात लिख लो, इतनी सीटें आएंगी, गुजरात वाली बात लिखी निकाल लो उनकी, यूपी चुनाव वाली लिखी निकाल लो, गोवा चुनाव वाली निकाल लो, कर्नाटका चुनाव वाली निकाल लो, तो ये इनका झूठ बोलना काम है और कुछ नहीं है। वो फ्रस्ट्रेशन में है, 2014 में बाहर ही थे, जेल में तो नहीं थे, 2019 में भी जेल में नहीं थे, और 2024 में भी इसी तरह सब सीटों के ऊपर बड़े मार्जिन से हारेंगे जैसे पहले हारे। एक लोगों के अंदर संदेश देना है कि तीसरी बार मोदी सरकार पुनः आए और उसके अंदर सीख उनके साथ, इसलिए आप देखेंगे सीख पर मोदी का उन्होंने लगाया है अपने जस के ऊपर और पीछे लेकर फिर एक बार मोदी सरकार, तो ये एक मैसेज है पूरे दिल्ली के लिए। सर, ऑपोजिशन की बात करें, चाहे फिर वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कश्मीर से मैं हूँ या फारूक अब्दुल्ला हो, या फिर दिल्ली में केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो, सब एक ही बात बोल रहे हैं कि 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया है लेकिन ये पूरा नहीं होने वाला। अपनी अपनी सोच की बातें बना रहे हैं, अपनी अपनी सोच है, कईयों की नकारात्मक सोच होती है, कईयों की सकारात्मक होती है, हम लोग सकारात्मक सोच लेकर चलते हैं। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी.com।